माननीय श्री मुकुल जी कानिटकर, जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के पूर्व सचिव रह चुके हैं, को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज की व्याख्यानमाला के मुख्य विषय युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी पर अपने अनुभव, अपने विचार हमारे समक्ष रखें। आज के विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय विभाग संघचालक श्री नारायण पांडे जी, हर सिद्धि भक्त मंडल के आयोजन पर, निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं बहनें, भारत माता के प्यारे सपूतों बंधु, राजा राजेश्वरी जी की इस शक्ति भूमि में आकर के आपके बीच में माँ भगवती के अनन्य भक्त स्वामी विवेकानंद की युवाओं को प्रेरणा के बारे में कुछ वार्तालाप करते हुए मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। यह शक्ति की भूमि है जहाँ पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, और शक्ति की उपासना करने वाले भक्त मंडल का आयोजन है, और व्याख्यानमालाओं में प्रायः जैसे होता है सफेद बालों वाले या बिना बालों वाले ज्यादा दिखाई देते हैं, यहाँ का दृश्य कुछ अलग है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए यहाँ युवा शक्ति उपस्थित है, इसलिए आप लोगों के साथ में स्वामी जी की बात करते समय और अधिक हो सकता है। आए लोगों को इस दृष्टि से विशेष पता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर तीन माताओं का सीधा वरदहस्त था। तीन स्थानों पर भगवती ने साक्षात उनको चिन्मय दर्शन प्रदान किए थे। एक भवतारिणी माँ काली, जिस घटना का, प्रसंग का उल्लेख आदरणीय पांडे जी ने यहां पर किया, अपनी घर की परिस्थिति से विवश होकर जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि आप रोज काली से बात करते हो, मेरी भी बात कर लो, तो स्वामी जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को उत्तर दिया, यहां वकालत नहीं चलती है, यहां खुद ही बात करनी पड़ती है। और इसलिए जब वो अंदर गए तो उनको साक्षात माँ के दर्शन हुए, भगवती के दर्शन हुए, मूर्ति के नहीं, चिन्मयी, पत्थर की मूर्ति नहीं, चिन्मयी माँ के दर्शन। और ऐसे ही दर्शन उनको कन्याकुमारी में, स्वामी विवेकानंद का जन्म, नरेंद्र का जन्म कलकत्ता में हुआ, शिकागो में उनको विश्व प्रसिद्धि मिली, विश्व की ख्याति मिली, और उनका शरीर जो शांत हुआ, महासमाधि जो उन्होंने 4 जुलाई 1902 को प्राप्त की, वह महासमाधि भी कलकत्ता में गंगा जी के किनारे बेलूर मठ में प्राप्त की। कलकत्ता में जन्म हुआ, कलकत्ता में शरीर छोड़ा, विश्व विख्यात शिकागो में हुए, फिर स्वामी विवेकानंद का इतना बड़ा स्मारक कन्याकुमारी में क्यों बना हुआ? कन्याकुमारी का स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से क्या संबंध है? कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद को मां ने साक्षात दर्शन दिए थे, ये तो एक बात हुई, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण उनके जीवन से उसका संबंध है। तीसरा स्वामी जी को जो दर्शन हुआ था, जिसकी घटना का वर्णन श्याम ने यहां पर किया, जिस प्रसंग का, कि कश्मीर में श्रीनगर से 30 किलोमीटर अंदर कश्मीर घाटी के अंदर जाकर के माँ का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, खीर भवानी उसको वहां की भाषा में कहते, क्षीर भवानी उसका पौराणिक नाम है, कश्मीरी में वो क्षीर का खीर हो गया, खीर भवानी कहते। वहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे, जब वो अमरनाथ यात्रा में गए थे उस दौरान वो वहां पर गए, और वहां माँ भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे, क्योंकि माँ भगवती का, क्षीर भवानी का मंदिर टूटा हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के मन में आया कि ये कैसी बात है, कैसी दुर्दशा है कि आक्रांताओं ने मेरी माँ का मंदिर तोड़ दिया और किसी ने विरोध नहीं किया। यदि मैं उस समय वहां पर होता तो निश्चित विरोध करता। और यह अहंकार मन में आने के कारण माँ भगवती ने साक्षात उनको दर्शन दिया और उनको प्रश्न पूछा, तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करता हूं, बता। इस प्रकार से 3 भगवती के दर्शन स्वामी विवेकानंद को हुए थे साक्षात। उनका जीवन, उनका कार्य और उनका संदेश, ये तीनों के तीनों पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। किंतु
उनकी उस प्रेरणा को धारण करने की शक्ति युवाओं में हो सकती है। इसलिए युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। वैसे उनकी प्रेरणा प्रत्येक के लिए है, किंतु स्वामी विवेकानंद को सुनना, ग्रहण करना, समझना और उनको अपने हृदय में धारण करना, इसके लिए जिस शक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, इन पांचों स्तरों पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह शक्ति युवाओं के पास हो सकती है। इसलिए जो मन से युवा है वही स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि यहां बैठे हुए सारे लोग मेरे सामने जो है स्वामी विवेकानंद के सुनने के लिए आए हैं, तो युवा ही होंगे, युवा ही है इस विश्वास के साथ। स्वातंत्र वीर सावरकर को किसी ने पूछा कि युवा कौन, तो सावरकर ने उत्तर दिया, युवा को जानना चाहते हो? सावरकर स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, बहुत अच्छे कवि भी थे, और उससे भी बड़े वो बहुत अच्छे भाषा शास्त्री थे। उन्होंने भाषा शुद्धि का आंदोलन चलाया और भाषा में से जो विदेशी परभाषी शब्द है उन शब्दों को हटाया, यहां तक कि उर्दू और फारसी के जो शब्द हिंदी और मराठी में आ गए तो उनका भी उनको उन्होंने शुद्धिकरण किया। आज सारे देश भर में जो हुतात्मा स्मारक बने हुए, शहीद के लिए हुतात्मा शब्द सावरकर का दिया हुआ है। आज जो शहर के मेयर को महापौर कहा जाता है, ये महापौर शब्द सावरकर का खोजा हुआ है कि मेयर को महापौर कहा जाएगा। ऐसे सावरकर ये भाषा शुद्धि के बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। इसलिए उनको जब पूछा गया युवा कौन, तो उन्होंने उसकी परिभाषा भी एक भाषा शास्त्रीय तरीके से दी। उन्होंने कहा युवा को समझना चाहते हो तो शब्द को उल्टा कर दो, युवा को उल्टा करोगे तो वायु बन जाएगा। जिस प्रकार वायु यदि अनुशासित नहीं हो, यदि अनुशासन तोड़ दे, तो किसी तूफान के भांति, प्रबंधन के भांति जीवन का नाश कर सकता है, जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। और वही वायु यदि अनुशासित होकर के रामदेव जी बाबा के निर्देशों पर प्राणायाम करने लग जाए तो जीवन दान भी कर सकता है। उसी प्रकार से युवा यदि अनुशासित हो तो निर्माण कर सकता है, और अनुशासन ही न हो जाए तो विध्वंस कर सकता है। इसलिए हमारे बीच में कुछ युवा यहाँ पर भी बैठे जिनका अभी भी ध्यान मोबाइल के अंदर है, उनके लिए ये बात मैंने बताई कि यदि यहाँ बैठ करके भी मोबाइल में ही ध्यान रखना है तो फिर यहाँ बैठ करके अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अपने इस समय का कहीं अच्छी जगह पर प्रयोग कर लो, पान ठेले पर आदि बहुत जगह है आपके लिए। यदि यहाँ बैठना है तो स्वामी विवेकानंद को ग्रहण करना है तो अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ताकि पता चले कि आपके हृदय में भी युवा दिन धड़कता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया 1985। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता था। इसलिए सारे देश में माहौल था कि सब जगह युवा 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 आगे आने चाहिए। इसलिए राजीव गांधी ने कहा कि एक युवा दिवस मनाया जाना चाहिए, महिला दिवस है, वृद्धजनों का ज्येष्ठ नागरिक दिवस होता है, बहुत सारे दिवस है, एक युवा दिवस मनाया जाना चाहिए। इसलिए खोजो कि कौन सा युवा दिवस हो सकता है। प्लानिंग कमीशन की बैठक में निर्णय हुआ कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए और उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से वह नोटिफिकेशन गैजेट के अंदर हुआ और किस प्रक्रिया से राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित हुआ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट पर भी, अंतर थाने पर भी उपलब्ध नहीं है, और प्रत्यक्ष उस युवा मंत्रालय में जाकर के उन मंत्रियों से भी मैंने मांगा दिल्ली में, मिला नहीं। लेकिन उस सारी खोजबीन के दौरान प्लानिंग कमीशन में जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित हुआ उसके मीटिंग के मिनट्स मुझे प्राप्त हुए और बड़ी मजेदार बातें उसमें से दिखी। स्वामी विवेकानंद को युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस क्यों घोषित किया जाए, इसके बारे में कई बातों के ऊपर चर्चा उस मीटिंग के अंदर हुई। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, वो स्वयं चिर युवा थे, उनकी बातें युवाओं को आकर्षित करते वगैरह वगैरह तर्क दिए गए, लेकिन एक मजेदार तर्क दिया गया, वर्तमान में भी वो नेता जीवित है इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बड़े मजेदार मंत्री रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक महापुरुषों के बारे में विचित्र बातें करने की उनको आदत है। अंडमान से सावरकर की पट्टिका भी उन्होंने ही हटवाई थी, अंडमान जेल में लगी हुई, वो मजेदार मजेदार बातें करते रहते हैं। उन्होंने उस मीटिंग में प्लानिंग कमीशन के सदस्य के रूप में ये विचार रखा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा महापुरुष है जिसकी बुढ़ापे की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। अब इन महाशय को कौन बताए
कि मात्र 39 वर्ष और 6 महीने की आयु में अपना जीवित कार्य समाप्त करने वाले स्वामी विवेकानंद की बुढ़ापे की तस्वीर कहां से मिलेगी। वो 39 वर्ष की आयु में तो शरीर छोड़ करके चले गए थे, लेकिन कितने मजेदार हमारे नेता मान्यवर हो सकते हैं जिनकी विचार करने की प्रक्रिया कितनी अधिक शरीर से जुड़ी हुई है कि वो फोटोओं को देख करके यौवन की बात करते हैं। युवावस्था चेहरे पे या फोटो से नहीं होती है, हालांकि प्रत्येक युवा अपना चेहरा बार बार देखना चाहता है इसलिए शीशा बहुत बार देखता है। उसके बावजूद भी यौवन शरीर का धर्म नहीं है, यौवन को मन का धर्म है। जिसके मन में उत्साह हो, जिसके मन में वायु की सी शक्ति हो, वो वास्तविक अर्थ में युवा होता है। मुझे भी एक बार ग्वालियर में IITM के छात्रों ने पूछा था कि सावरकर की परिभाषा तो आपने बता दी, लेकिन आप युवाओं के बीच में काम करते हो, आप अपनी युवाओं के बारे में परिभाषा बताओ। जब मुझे पूछा तो मेरे मन में उस समय जो आया वो मैंने बताया और मुझे लगता है बहुत सुंदर बात थी, तो मैंने उसको मेरी परिभाषा बना दी। तो मुझे जब कोई पूछता है युवा कौन है तो मैं उसकी युवा की परिभाषा करता हूँ। आप लोगों को देख करके मदनलाल ढिंगरा याद आता है, उसको याद करके मैं उस युवा की परिभाषा करता हूँ। मैं कहता हूँ युवा वह होता है जो बिना कारण के हंसता है, बिना कारण के मुस्कुराता है। जिसको मुस्कुराने के लिए कारण नहीं लगता, उसको कोई पूछे कि क्यों भाई मुस्कुरा रहा है, अरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि जो उबल उबल के बाहर निकल रही है तो चेहरे पे मुस्कान तो होगी ही। कारण तो रोने का पूछो, कारण तो उदास होने का पूछो, हंसने का क्या कारण पूछते हो। फांसी के तख्त पर, फांसी के फंदे के सामने भी जाने से पहले जब अंतिम इच्छा पूछी गई मदनलाल ढिंगरा को, एक दिन पहले पूछा वार्डन ने कि कल तुझे फांसी मिलने वाली सुबह, लंदन की घटना है, भारत में फांसी नहीं दिया गया था। 17 अगस्त के दिन मदनलाल ढिंगरा को लंदन में फांसी दिया गया था, 17 अगस्त 1909। फांसी से पहले मदनलाल ढिंगरा को वार्डन ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा का, और वो मदनलाल ढिंगरा कहता है कि जरा जाकर के कहीं से एक सुंदर सा शीशा ला करके दो, एक कंघी और सुगंधित तेल ला करके दो, अच्छे से तेल लगा करके बाल बनाना चाहता हूँ, कल मेरी फांसी है, कल मेरी दुल्हन आने वाली है, कल मेरी शादी होने वाली है, थोड़ा श्रृंगार तो कर लूँ। वार्डन ने कहा अबे मरने जा रहा है और मरने से पहले बाल बनाएगा। बोले तुम्हारी इस लंदन की जेल की जुओं ने कुतर करके मेरे इन घुंघराले सुंदर बालों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जब भारत माता के सामने जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, मरने से पहले श्रृंगार करके जो मुस्कुराने की ताकत रखता है वो युवा है, जो अपने भारत माता के लिए मृत्यु का सामना करते हुए भी मुस्कुराता है वो युवा है। उन युवाओं को स्वामी विवेकानंद का जीवन कार्य और संदेश सुनने का अधिकार है। इसे परिभाषित करके मैं इस विषय पर आना चाहता हूं कि विवेकानंद हमको क्या प्रेरणा दे सकते हैं। उनका सारा जीवन प्रेरणादायी, बचपन से लेकर उनकी समाधि तक का जीवन प्रेरणादायी, उनके जीवन का एक एक प्रसंग प्रेरणादायी। और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर इतना अधिक अध्ययन हुआ है कि उनके जीवन के एक एक दिन के बारे में प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध है। उसके बावजूद कई भ्रांतियां, कई गलतफहमियां स्वामी विवेकानंद के बारे में फैली हुई है। मैं मेरे इस भाषण के दौरान कुछ गलतफहमियों को ठीक करूंगा। आदरणीय पांडे जी मुझे क्षमा करें क्योंकि कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां उनके द्वारा भी हुई है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले वर्ष भर सार्धशती में हम जब स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश लोगों को बताएं तो हमारे मुख से अधिकृत प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचे। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में सारे निकषों के ऊपर और बहुत अधिक अध्ययन हुआ है। स्वामी विवेकानंद के जीवन के तीन भाग मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। उनके जीवन का एक भाग है जिससे मैं उस प्रश्न पर आऊंगा जो मैंने पूर्व में पूछा था कि कलकत्ता में जन्म हुआ, कलकत्ता में समाधि हुई, शिकागो में प्रसिद्ध हुए, फिर कन्याकुमारी में स्मारक क्यों। वो कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद के पहुंचने के पहले का उनका जो जीवन है, उस जीवन को मैं स्वामी विवेकानंद की रचना का काल समझता हूँ। वो उनके जीवन का सबसे बड़ा काल है। 1863 में उनका जन्म हुआ था और 1892 में वह कन्याकुमारी की उस शिला पर जाकर के बैठे थे। तो 29 वर्ष उनके जीवन के नरेंद्र से विवेकानंद के बनने के वर्ष, और इस वर्ष के इस उसके पूरे बनने की प्रक्रिया को हमको समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए कि हम में से प्रत्येक विवेकानंद बनने की क्षमता रखता है। विवेकानंद कोई अवतरित महापुरुष नहीं है,
उनको अवतरित महापुरुष के रूप में देखना उनका ही घोर अपमान है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर महापुरुष बनने की संभावना छिपी हुई है। यदि आप समझते हो कि कोई पूर्व जन्म की शक्तियों को लेकर के, ईश्वरीय शक्ति को लेकर के चार हाथ लेकर के अवतार के रूप में पैदा होता है, तो यह जन्म लेने का, अवतार के रूप में जन्म लेने के बारे में आपका मानना गलत है। ये स्वामी विवेकानंद के विचार है। और उसके बाद में यदि स्वामी विवेकानंद के जीवन को एक अवतार के रूप में यदि हम देखते, तो इससे बड़ा स्वामी विवेकानंद का अपमान क्या होगा। लेकिन भक्तों की ऐसी कभी कभी आदत पड़ जाती है। भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर का ही विरोध किया, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी धातु की मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मिट्टी की मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी शिल्पकला की हुई मूर्ति, ये सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मूर्तियों के बुद्ध के नाम पर है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी बुद्ध के साथ में। वैसे ही विवेकानंद के साथ होता है। लोग कहते हैं विवेकानंद तो शंकर का अवतार थे, शिवजी को प्रार्थना की उनको पैदा हो गए। रामकृष्ण परमहंस का कुछ सिद्धांत बताते हैं कि उनको स्वप्न आया था कि सप्तर्षि मंडल में से नारायण ऋषि के गले में हाथ डाल करके एक बालक कह रहा है कि चलो नीचे। और इसने जब कन्याकुमारी में वहां पर स्मारक के बाद में प्रदर्शनी बनी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर वो रामकृष्ण वाले वो स्वप्न की बात आपने क्यों नहीं लिखी, वो तारामंडल और सप्तर्षि मंडल दिखाइए। एकनाथ जी रानड़े, जो विवेकानंद केंद्र के संस्थापक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह रहे पहले, उन्होंने कहा कि नहीं, ये विवेकानंद का सही चित्रण नहीं होगा। विवेकानंद अपने पराक्रम, अपनी प्रेरणा, अपने पुरुषार्थ से महापुरुष बने। हम में से सामान्य शंकालु नास्तिक, ईश्वर है कि नहीं इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी विश्व को ईश्वर के दर्शन कराने जैसा महापुरुष बन सकता है, इसका साक्षात उदाहरण स्वामी विवेकानंद है। इसलिए हम में से प्रत्येक को अपने अंदर के विवेकानंद को जगाने के लिए विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। इसलिए विवेकानंद के जीवन का जो पहला भाग है 1863 से लेकर 1892 तक का, वो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के। बाल्यकाल से उनके अंदर वो वीरता के लक्षण दिखाई दे रहे थे, और वो वीरता सबसे पहला गुण है स्वामी विवेकानंद का, जो गुण अपने अंदर जगने से ही हम में से विवेकानंद जग सकता है। वीरता के बिना हम स्वयं को नहीं पहचान सकते। दूसरे का सामना करने के लिए वीरता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं का सामना करने के लिए वीरता की आवश्यकता होती है। नरेंद्र के अंदर बचपन से यह वीरता थी कि वो आंखें बंद करके घंटों बैठ सकता था। हम में से कितने लोग आंखें बंद करके दो मिनट भी बैठ सकते हैं। विद्यालय में प्रार्थना के समय आंखें बंद करके बैठाया जाता है तो एक आंख खोल करके देख लेते हैं कितनों ने आंख खोली है। नरेंद्र बचपन से आंख बंद कर सकता था। जो स्वयं का सामना कर सकता है, जो स्वयं के अंदर देखने की शक्ति रखता है, ऐसा महावीर ही आंखें बंद करने का साहस रखता है। नरेंद्र के अंदर वो साहस था। वो स्वयं को प्रश्न पूछ सकते थे, अपने आराध्य को प्रश्न पूछ सकते थे, अपने इष्ट देवता को प्रश्न पूछ सकते थे। वो राम की आराधना करते थे, शिव की आराधना करते थे, शिव की ध्यानस्थ मूर्ति रख करके उसके सामने बैठ जाते थे। अपने घर में ऊपर में एक स्टोर रूम में उन्होंने बना रखा था, बचपन छोटा सा ये 7-8 वर्ष का बालक शिवजी की मूर्ति के सामने ध्यान लगाता था। किसी ने कहा वो शिवजी खुद तो राम नाम का जप करते, फिर तुम शिवजी की क्यों आराधना करते हो। इन्होंने शिवजी को उठा करके फेंक दिया और राम और सीता मैया को वहां पर विराजमान कर दिया। अब राम और सीता पर ध्यान करने लगे। एक बार एक प्रवचन में गए, उस प्रवचन में कथाकार ने अतिशयोक्ति अलंकार करने की आदत होती है कथाकारों को, तो एक की तारीफ करते समय दूसरे को नीचे दिखाना। तो उन्होंने कहा लोग राम की भक्ति करते हैं, लेकिन राम से बड़े तो हनुमान जी थे, और हनुमान जी इतने बड़े थे कि हर बार राम को हनुमान जी का सहायता लेनी पड़ी। राम जी की पत्नी सीता रावण उठा करके ले गया, हनुमान जी नहीं जाते तो कैसे पता चलता। राम जी का भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर के पड़ा, हनुमान जी गए द्रोणागिरी उठा करके लाए, इसलिए तो संजीवनी मिली। हर बार हनुमान जी ने तो बचाया, अहिरावण महिरावण पाताल लोक में ले गए, हनुमान जी नहीं जाते तो राम जी कहां बचते। अरे राम जी को क्यों पूछते हो, हनुमान जी को पूछो। तो स्वामी विवेकानंद ने आकर के राम जी की मूर्ति उठा करके फेंक दी हनुमान जी को। ये ताकत मन में एक बार भी भय नहीं आया कि मैं राम जी को फेंक दूंगा, राम जी मेरा बिगाड़ तो नहीं लेंगे कुछ। बालक है,
उस बालक के अंदर इतना साहस है कि अपने मन को जो ठीक लगे वो करने की ताकत। हम लोग गाने गाते हैं फिल्मों के, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो करूं मेरी मर्जी। कोई गाना था ना, मुझे पता नहीं बहुत दिन पहले आया, अभी लेटेस्ट नहीं होगा तो आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन हम युवा अपने आप को मानते हैं कि किसी की नहीं मानना, इसमें हमारी तरुणाई है, हम तो अपने मन की करेंगे। तो मन की करनी है तो ऐसे करो जैसे विवेकानंद ने की, आधी अधूरी मत करो, जो भी करना है उसको पूछो कि क्यों करना। उन्होंने जाकर पंडित जी को पूछा, राम से ज्यादा शक्ति हनुमान जी में क्यों? तो पंडित जी ने उत्तर दिया, क्योंकि राम जी शादीशुदा थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी में ज्यादा ताकत होती है। तो इस बालक ने तय कर दिया, इस जन्म में तो ब्रह्मचारी ही रहना है, विवाह तो करना ही नहीं, अपने यौवन को इस फालतू बात में नहीं लगाना, हनुमान जी की तरह वीर बनना है। हर चीज के पीछे जाते, हर चीज को प्रश्न पूछते। इसी प्रश्न में से वो प्रश्न निकला था, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? जो मिलता जो ईश्वर की बात करता, जो साधु संन्यासी से मिलता, उसको कहते क्या तुमने ईश्वर को देखा है? उसी में से रामकृष्ण मिले। कथा पूरी आपको बताई जा चुकी। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में प्राप्त किया, और अद्वैत वेदांत गुरु को कहते आज तो मजा आ गया, इतना आनंद तो कभी हुआ नहीं, अब इस ब्रह्मानंद में हमेशा रहे, सबको ऐसा कुछ कर दो, ऐसी कृपा करो कि हृदय में आनंद हमेशा रहे। और गुरु क्या कहता है आप सोचिए, साधना की चरम अवस्था निर्विकल्प समाधि, शिष्य वहां पर पहुंच गया, गुरु को प्रसन्न होना चाहिए, नहीं, गुरु शिष्य को कहता है खत तेरी नरेंद्र, ऐसी शूद्र तेरी कामना, केवल अपने मोक्ष और अपने आनंद की बात करता है, तेरा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ है, तुझे तो महान मनोवृक्ष की बात विस्तारित होना है,